हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीमा मुद्गल। आज हम देखेंगे कि टोनर हमें कब लगाना चाहिए और टोनर का क्या फ़ायदा है, ये हमारी स्किन पर क्या फ़ायदा करता है। तो सबसे पहले हम बता दें कि टोनर कब लगाना चाहिए। देखिए, टोनर को है ना नहाने के बाद लगाना चाहिए आपको, क्योंकि ये हमारी स्किन को टोन करता है, यानी कि हमारी जो स्किन की जो टोन है उसे इवन टोन बनाता है। हमारे जो अब इसको जानते हैं कि इसका जो फ़ायदा है वो क्या है। हम अब नहाने के बाद जब हम नहाते हैं, और अब तो सर्दियां हैं, नहाने के बाद गर्म पानी से जब हम अपना चेहरा धोते हैं तो हमारे पोर्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं, ओपन पोर्स, फिर है ना बहुत ही भद्दे लगते हैं देखने में, और हमारी स्किन भी एज्ड लगती है जबकि इतनी एज होती नहीं है। तो इस ओपन पोर्स की समस्या को दूर करने के लिए हम टोनर का यूज करते हैं। तो ऐसा टोनर मैंने घर पे भी बनाया था और मैंने एक वीडियो में बना भी रखा है, उसका लिंक मैं आपको इस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब देखते हैं टोनर अप्लाई कैसे करते हैं। ये देखिए, ये हमारा टोनर है, ये मैंने बना लिया था घर पे ही, होममेड है ये, थोड़ा सा मैंने यूज कर लिया है इसमें से। ये देखिए, ये मैंने खीरे से बनाया था और भी दो तीन इंग्रेडिएंट इसमें मैंने और डाले थे। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। अब आपको पता चल गया कि हमें टोनर कब लगाना चाहिए, तो हमारी और टोनर का क्या फ़ायदा है। तो जब हमारे ओपन पोर्स को ये श्रिंक कर देगा, तो जब हम बाहर जाते हैं तो हमें टोनर ज़रूर लगाना चाहिए नहाने के बाद, क्योंकि जितनी भी डस्ट है, धूल मिट्टी है, जब हमारे ओपन पोर्स होंगे तो उनमें आसानी से डस्ट हमारे रोम छिद्रों में चली जाएगी और फिर वो उनको रोम छिद्रों को बंद कर देगा, उनमें फिर सांस नहीं आएगा। ठीक है, तो वो डस्ट से फिर क्या होगा कि वो जो ऑयल होगा चेहरे पे, तो वो मिलके एक वो बना देंगे पिंपल्स। ठीक है, तो पिंपल्स को रोकता है जो ये टोनर है। तो जब हमारे ओपन पोर्स श्रिंक हो जाएंगे तो उनमें जब डस्ट वगैरह नहीं जाएगी, क्लीन रहेंगे, तब तो ये टोनर बहुत ही फ़ायदा करता है, इसलिए हमें टोनर ज़रूर लगाना चाहिए। तो ये देखिए, इसको है ना स्प्रे बोतल में भी फिल करते हैं, मैंने इसमें डाल रखा है, मेरे पास ये कंटेनर था स्प्रे वाला, वो है कि मेरे को थोड़ा सा यूज मतलब सूट नहीं करता, तो इसलिए मैं कम यूज करती हूँ। तो आप ये टोनर बना के देखना, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। इसको मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ, अगर स्प्रे बोतल ना हो तो हाथ से कैसे इसको लगाते हैं चेहरे पे। इसको बिल्कुल साफ़ सुथरे धुले हुए फेस पे आपको अप्लाई करना है। जब आप अपने चेहरे की गहराई से सफाई करते हो उसके बाद आप टोनर का इस्तेमाल अपने फेस पे करेंगे। और एक ज़रूरी बात, यदि जिस भी टोनर में ऑरेंज मिला हुआ हो, ऑरेंज जूस मिला हुआ हो या लेमन जूस मिला हुआ हो, तो वो आप रात में ही ट्राई करें, दिन में लगा के बाहर धूप वगैरह में ना जाए, नहीं तो आपका चेहरा काला हो जाएगा, बहुत ही भद्दा हो जाएगा। और जो ये टोनर मैंने बनाया ना, इसमें भी लेमन की कुछ बूंदें डाली थी, तो ये रात में ही अप्लाई करना है, अगर मेरे वाला देख के अगर आप बनाते हो तो ये एक सावधानी की बात थी जो हमें ध्यान रखनी है। ये देखो, हमने टोनर ले लिया है और ऐसे हल्के हाथों से हम थपथपा के लगाते जाएंगे अपने फेस पे। हाँ, इसको लगाने के बाद आपको फेस नहीं धोना है, ये फेस पे ऐसे ही रहने देना है इसको, ये पानी जैसा ही होता है, तो ये दिखेगा भी नहीं आपके चेहरे पे कुछ लगाया है या नहीं। और जब आपके ओपन पोर्स जब श्रिंक हो जाएंगे तो आपका चेहरा भी स्मूथ नज़र आएगा, और जो आपकी ये जो टोन है, जैसे कहीं से गोरा कहीं से काला, इसको भी इवन टोन करता है टोनर। ऐसे अपने पूरे फेस पे लगा देंगे, सिर्फ 2 मिनट में ये सूख जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए। थैंक यू।